जय भारत जय इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी करो पूरी करो चाहे जो मजदूरी हो हमारी। जी मेरा नाम समीर सिंह विशाल है, छात्र नेता उदय प्रताप काले। आज किस तरह का धरना? आज धरना इसलिए हुआ क्योंकि बार बार कॉलेज प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर तानाशाही किया जा रहा है। छात्रावास अलाटमेंट होना चाहिए, छात्रावास अगली बार एक ही ब्लॉक खोला गया था, इस बार बात हुआ था कि अगली बार पूरा छात्रावास खोल दिया जाएगा। लड़कों का छात्रों छात्राओं का एडमिशन भी हो गया लेकिन छात्रावास का फॉर्म अभी तक नहीं मिल रहा है। छात्रावास को सही कराया जाए, कॉलेज परिसर में वाईफाई की व्यवस्था की जाए, हमारे महाविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई शुरू की जाए, एलएलबी लाया जाए और अंग्रेजी और डिफेंस में एमए लाया जाए। तमाम ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर आज हम सभी लोग छात्र नेता और छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा तो आज यही रहा कि कॉलेज परिसर को वाईफाई किया जाए, एलएलबी लाया जाए और छात्रावास को सुचारू रूप से तुरंत सही करा के उसको चालू किया जाए। धरना दे रहे हैं क्या विश्वविद्यालय प्रशासन आपसे मिलने? धरना दे रहे हैं कॉलेज प्रशासन, अभी तो मिलने तो आया था परंतु संतुष्ट पूर्वक बात नहीं हो पाई, इसीलिए हम लोग धरने पर अड़े हुए हैं और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द शुरू कॉलेज प्रशासन उसको करे, तभी हम लोग यहाँ से धरने पर से उठेंगे। मेरा नाम प्रतीक उपाध्याय और मैं वर्तमान समय में छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। किस तरीके का आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है? हम लोगों का धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि जब हम लोग छात्र संघ चुनाव जीते थे तो सभी पदाधिकारियों ने कॉलेज के विकास के लिए एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें उसमें लिखा गया था कि 8 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। फिर समस्त पदाधिकारियों ने जाकर वहाँ पर बातचीत किया और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद उनका हर बार का वही गोला दिया जा रहा था। और आज बात करने गए तो वो लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रिंसिपल सर और कॉलेज प्रशासन हम लोगों से आकर सीधे तानाशाही बतिया रहे कि नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम लोगों ने सीधे बोला था कि हर छात्रों के मोबाइल पर जब छुट्टी हो या अवकाश रहे महाविद्यालय का तो मैसेज जाना चाहिए, जो पहले हुआ करता था। तो बोल रहे हैं मेरे पास फंड नहीं है, इससे वो हो जाएगा वो हो जाएगा। और वाईफाई के लिए बोला गया तो बोल रहे हैं क्राइम बढ़ जाएंगी। समस्त विश्वविद्यालय अपने यहाँ वाईफाई लगवा चुका है लेकिन यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। भोजूपुर कितना बड़ा गुंडा का एरिया हो गया कि यहाँ पे क्राइम बढ़ जा रहा है और यहाँ पे फीस वृद्धि हो गया है। पहले 4,000 रुपये लिए जाते थे, अब 8,000 सीधे जस्ट दूना कर दिया गया है। और उसके बाद हर साल एंट्रेंस फॉर्म में 100-100 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। और उसके बाद जब छात्र नेता बोल रहे हैं, पदाधिकारी बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम वो काम नहीं करेंगे, हम FIR होगा, केस कराएंगे तुम्हारे ऊपर। कॉलेज प्रशासन और हम लोगों का सबसे लगभग एक साल का मुद्दा था कि कॉलेज प्रशासन LLB लाया जाए, उसके लिए आश्वासन भी दिया गया हम लोगों को, लेकिन अभी तक ना ही उसका भूमि पूजन तक भी नहीं हुआ, ना ही भूमि देखा गया है कि कहाँ LLB का क्लास खोला जाएगा और कहाँ LLB पढ़ाया जाएगा। हम लोगों के इस समय में बना TD कॉलेज, वहाँ पे आज LLB है। हम लोगों के बाद बना BHU विद्यापीठ, लेकिन वहाँ भी LLB है। लेकिन UP कॉलेज उससे पहले संस्था स्थापित हुई लेकिन आज तक यहाँ की सुविधाएं नहीं मिली हैं। यहाँ हमें इंग्लिश डिफेंस भी नहीं है। हम लोग चुनाव में अपने मुद्दे बोलेंगे और बाद में छात्र कहेंगे कि भैया वादा करके भूल जाते हैं।